नमस्कार नमस्ते बिहार, मैं राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ गई है, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाएगा, जो सूत्र खबर दे रहे हैं 2029 से पहले सरकार इसको लागू कर देगी। इसी कार्यकाल में ये सरकार बिल लाएगी। कोविंद कमेटी 6 महीने पहले रिपोर्ट सौंप चुकी है। कोविंद कमेटी ने एक देश एक चुनाव की सिफारिश की थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि एनडीए सरकार अपने इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। सरकार 2029 से पहले इसे लागू करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। गया के डाल्टनगंज भाया बाके बाजार इमामगंज के लिए नई रेलवे लाइन निर्माण के लिए 426 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने गांधी मैदान में गरीब संकल्प सभा को संबोधित करते हुए दी। इस दौरान कई मंत्री भी मंच पर मौजूद रहे। सभी को संबोधित करते हुए मंत्री जीतन राम मांझी ने ये कहा कि जो विभाग उन्हें मिला है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पसंदीदा विभाग है और इसकी वजह से देश के साथ साथ पूरे बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। नई रेल भया बांके बाजार इमामगंज डुमरिया ओकरों में काम लगे वाला है। तो कहे के मतलब है कि चाहे भारत सरकार की योजना है चाहे बिहार सरकार की योजना है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के तोरा पास खड़ा हो कि ये विकास के लाइन में लगल है। यहाँ पर विकास के जो चीज शुरू हो ले ओकरा के लोग कहे पर रोकी है माँ। पटना से बड़ी खबर, जहां कई इलाकों में बिजली कटेगी। चूड़ी मार्केट, डोमन भगत लेन, ठाकुरबाड़ी रोड, जहाजी कोठी, शिव मंदिर गली, देवी स्थान, राजेंद्र पथ, राजधानी मार्केट के पास बिजली कटेगी। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटेगी। मुन्ना चक से कंकड़बाग मेन रोड, ऑरेंजिन होटल, पार्वती पथ में सुबह 10 से 1 बजे तक बिजली कटेगी। महारानी कॉलोनी, पहाड़ी क्षेत्र इलाके में बिजली कटेगी। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटेगी। तो मेंटेनेंस काम को लेकर के ये बिजली कटेगी, जो पटना से बड़ी खबर, जहां कुछ जगहों के नाम भी हमने बताया जहां पर बिजली कटी रहेगी। और झारखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को कई सौगातें दी। बता दें आपको कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाते हुए जमकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला भी बोला। पीएम ने ये कहा कि संथाल कुल्हान में घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है और इससे डेमोग्राफी बदल रही है और पूरे क्षेत्र की पहचान बदल रही है। आज संथाल परगना और कुल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। 15 सितंबर 2024 की तारीख झारखंड के लिए खास तारीख बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ साथ रेलवे की 600 करोड़ की योजनाओं की भी सौगात दी है, जिनमें कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूँ। बारिश की वजह से झारखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में रोड शो तो नहीं हो पाया, लेकिन लौह नगरी से पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा झारखंड के 3 दुश्मन हैं, आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस। झारखंड के ये 3 दुश्मन है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही।
जमशेदपुर की धरती से पीएम मोदी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। पीएम मोदी हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार घुसपैठ नहीं मान रही है, जबकि संथाल कोल्हान में घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इससे डेमोग्राफी बदल रही है और पूरे क्षेत्र की पहचान बदल रही है। आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। झारखंड में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। इस वजह से पीएम मोदी का झारखंड दौरा बहुत खास हो जाता है। पीएम मोदी ने जहां विरोधियों पर प्रहार किया, वहीं 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देकर झारखंड वासियों के जीवन की रफ्तार को तेज करने की कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से ओम प्रकाश, आशीष और प्रभंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार वासियों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। जमशेदपुर से पटना अब सफर आसान हो गया है। पीएम मोदी ने एक साथ बिहार वासियों को 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। कल पहले दिन ही जमशेदपुर से पटना वंदे भारत ट्रेन पहुंची। ट्रेन पहुंचते ही आम से लेकर खास तक स्वागत करते नजर आए और प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर जश्न का माहौल दिखा। ट्रेन के लोको पायलट से लेकर कर्मियों और अधिकारियों को सांसद रविशंकर प्रसाद, सांसद भीम सिंह, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सभी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि रेल के क्षेत्र में चौका लगा है और बिहार की जनता का पीएम मोदी ने मान और सम्मान बढ़ाया है। हमारा ट्रेन है पटना पहुंच गई है, यानी जमशेदपुर टू पटना सफर आसान हो गया है। इस वक्त हमारे साथ खुद डीआरएम है जयंत चौधरी और सीधी बातचीत करेंगे। सर, कितनी खुशी की बात है और ऐतिहासिक दिन है आज? ऑब्वियसली एक ऐतिहासिक दिन है कि टाटा नगर से पटना, जो एक 10 घंटे से ज़्यादा की जर्नी हुआ करती थी, अब वंदे भारत डायरेक्ट ट्रेन सर्विस है। दोनों शहरों के लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ गतिपूर्वक सेम डे में पहुँच करके कुछ काम भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी सौगात है, टाटा पटना आज पहुँची, स्वागत। पटना कलकत्ता चली चल रही है, पटना रांची चल रही है, पटना जलपाईगुड़ी चल रही है, अब पटना दिल्ली स्लीपर वंदे भारत की बारी है, वो भी करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन। आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक। विधानसभा अध्यक्ष भी हैं नंद किशोर यादव जी, कितनी खुशी मिल रही है आज बिहार के विकास की? लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगदान कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर धनराशि आवंटित हो रही है बिहार के विकास के लिए। माननीय मोदी जी का अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बिहार की जनता की ओर से धन्यवाद, आभार। कितना बड़ा सौगात आज आप उन्होंने दिया है, लगातार दे रहे हैं, बजट में भी दिया, ट्रेन के रूप में भी दिया, उन्हें आभार और बिहार की जनता को बहुत 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 बधाई। जो डीआरएम है देख सकते हैं, जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और ये गौरव का क्षण है बिहार के लिए, पटना के लिए, क्योंकि पीएम मोदी ने सौगात दी है और सौगात के बाद ये ट्रेन जो है पटना पहुंच गई है। धीरे धीरे वंदे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि सारे अधिकारी भी गवाह बने हैं और ये ऐतिहासिक पल। प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने जिस विकसित भारत की कल्पना किया था, जिस विकसित बिहार का, उसका मजबूत नींव रखे हैं। देश की गति, ठहरी हुई गति को जो गति को दुगना किए, आज रेल के क्षेत्र में चौका लगा 4 वंदे भारत, इसके पहले 9 वंदे भारत बिहार से चलेगा। बहुत अच्छा लगा है, इसका जो है स्पीड कंट्रोल जल्दी होता है और पिकअप भी जल्दी होता है, अच्छा लग रहा है। इसलिए ट्रायल है, नियमित 20 तारीख से गाड़ी चलेगी, उसके बाद इसकी रफ्तार, वास्तविक रफ्तार उस दिन पता चलेगा। घंटे टारगेट, टारगेट वहाँ 7.5 घंटे का टारगेट है, टाटा 7.5 पटना टू जमशेदपुर। तमाम जो यात्री हैं आज यहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं, हालांकि लोको पायलट ने साफ कहा है कि 20 तारीख से जब ट्रेन चलेगी, महज 7.5 घंटे में जमशेदपुर से पटना और पटना से जमशेदपुर यात्री आसानी से सफर कर सकेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
लखीसराय को पीएम मोदी की ओर से वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला। वाराणसी से देवघर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का ठहराव क्यूल स्टेशन पर दिया गया। क्यूल स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के पहुंचने के बाद राज्यसभा सांसद शंभु शरण पटेल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को वाराणसी के लिए रवाना किया। सांसद शंभु पटेल ने यह कहा कि पीएम मोदी ने बिहार पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि जो है बिहार पे बनी हुई है। आज उन्होंने 6 वंदे भारत ट्रेन चलाया, जिसमें 4 जो है वो बिहार को किसी ना किसी तरीके से बिहार से होके गुजरेगी। और यहाँ के बिहार के निवासियों को मैं शुभकामना देता हूँ कि आपको सेमी हाई स्पीड वंदे भारत जैसी ट्रेन मिली है। और ये जो वंदे भारत ट्रेन है 2 ज्योतिर्लिंग और 1 मोक्ष धाम गया जी को जोड़ते हुए काशी विश्वनाथ से बाबा बैद्यनाथ धाम, जो कि हिंदू में सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। भागलपुर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने इस बयान को लेकर निशाना साधा है। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तो राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट। मौका वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन का था और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भागलपुर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया और बिहार की सियासत गर्मा गई। पहले आप मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पलटवार किया। अजीत शर्मा ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ मानहानि का केस होना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में आप इस तरह की बात करते हैं, आपको तो पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने क्या कह दिया, वो टेररिस्ट है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के विवादास्पद बयान पर आरजेडी के नेताओं ने भी एतराज जताया है और प्रधानमंत्री से ऐसे बड़बोले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इनका तो मानसिक इलाज करना चाहिए, ये तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही इस तरह का बयान दे सकता है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान में कुछ गलत नहीं लगता। भारत विरोधी ताकतों से कहीं न कहीं राहुल गांधी जी हाथ मिला लिए हैं। विदेशों में जाते हैं तो चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और भारत को खंडित करने वाली भाषा बोलते हैं। देश की राजनीति में विवादित बयान देने को लेकर कई नेता सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ऐसे कई बयान दिए हैं जिस पर विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें चाइना को लेकर दिया गया बयान भी है। अलगाववादियों के साथ राहुल गांधी की तस्वीर भी सामने आई थी। इसके बाद से बीजेपी राहुल गांधी को लेकर हमलावर है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट। बिहार के बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर के आरजेडी ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस की अपील के बाद के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नेतृत्व में एक डेलीगेशन भवन जाकर के राज्यपाल कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध थम नहीं रहा। आरजेडी के मार्च पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार करते हुए ये कहा कि बिहार के लोगों को अब भी वो दौर याद है जब आरजेडी का शासन था। अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल लगातार नीतीश सरकार को घेर रहा है। रविवार को आरजेडी ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिसे इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया।
पुलिस की अपील पर आरजेडी नेताओं का डेलीगेशन राजभवन जाकर राज्यपाल कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। कानून व्यवस्था बिल्कुल गिर गया, आए दिन चोरी डकैती हत्या रेप घटना घटते रहती है। आरजेडी के आक्रोश मार्च पर एनडीए की ओर से तगड़ा पलटवार किया गया। राजद का मतलब ही है गुंडागर्दी, अपराधीकरण। जो गुंडागर्दी करता हो वो राजभवन कैसे जा सकता है? लोगों को शर्म लगना चाहिए। आरजेडी के मार्च और लालू प्रसाद के आरोप पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी के लोग कुछ भी कर लें, लालू यादव कुछ भी बोले, लेकिन बिहार के लोग वापस उस दौर में नहीं जाने वाले। बिहार की जनता सब समझ रही है। लोगों ने भुगता है, देखा है। हमने तो बार बार कहा कुछ भी प्रयास कर ले, दौरा कर ले, मार्च कर ले, कोई फर्क नहीं होने वाला है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर का कहना है कि पहले तो अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, अब जो क्राइम करता है उस पर कार्रवाई होती है। सुशासन की सरकार है, रूल ऑफ लॉ है, ऐसे में अपराध पे और अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। अपने जंगल राज से उसको जोड़ लें, देख लें, जिस पर कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले आरजेडी की ओर से लगातार अपराध के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, कभी पोस्ट के जरिए तो कभी बयानों से। वैसे अपनी यात्रा की वजह से आरजेडी के आक्रोश मार्च में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला केस में जमानत पर रिहा हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दाव चला है। उन्होंने दो दिनों के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है और समय से पहले चुनाव कराने की मांग की है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर हार के बाद अरविंद केजरीवाल पार्टी को पॉलिटिकल प्रेशर से निकालने के लिए बड़ा दाव चल चुके हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। दिल्ली के शराब घोटाले में 156 दिन जेल में बिताने और 177 दिन के बाद जमानत पर जेल से बाहर निकले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चल दिया है। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। केजरीवाल ने दो दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और समय से पहले चुनाव कराने की मांग की। आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना देगा। अब केजरीवाल की ओर से जो नया दांव चला गया है उस पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। जेल में रहकर तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। अरविंद केजरीवाल 156 दिन तक जेल में रहे लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब ऐसा क्या हो गया जो जेल से रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देना चाहते हैं? इस पर जेडीयू नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि ये मन से नहीं बल्कि मजबूरी से लिया गया फैसला है। अरे ये मजबूरी में लिया गया फैसला है या आपके मन से लिया गया फैसला नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने आपको मजबूर कर दिया। यानी खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की छवि को शराब घोटाले की वजह से डेंट लग चुका है। बीजेपी और उसके सहयोगी बेहद आक्रामक है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का दांव चल दिया है।
माना जा रहा है कि जनता के फैसले का एजेंडा रखकर उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव का मोड सेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जमुई के चिल्काखार बरबोरिया जंगल में सर्च अभियान के दौरान एसएसबी और जिला पुलिस ने दो आईईडी बम बरामद किया। आईईडी बम 10 और 7 किलो का था, जिसे सीआरपीएफ की विशेष टीम ने डिफ्यूज कर दिया। बताया ये जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस बल को निशाना बनाने के लिए सड़क के किनारे बम को अलग अलग केन में लगाकर रखा था। हालांकि नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने नाकाम करते हुए बम को डिफ्यूज कर दिया है। तो आपको जमुई से इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं और ये दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीर देखिए, जहां बम को किस तरीके से प्लांट किया गया है उसका भी वीडियो बनाया गया है। और 10 और 7 किलो का दो बम बरामद हुआ है और दोनों बम को विस्फोटक के जरिए डिफ्यूज कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस बल को निशाना बनाने की मंशा से नक्सलियों ने इस साजिश को रचा था, जिसको अब नाकाम कर दिया गया। औरंगाबाद के रफीगंज में दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी गिरफ्तार 7 युवकों को निर्दोष बताते हुए एक समुदाय के लोगों ने बस स्टैंड के पास शिवगंज गोह मार्ग को जाम कर दिया और गिरफ्तार युवकों की रिहाई की मांग की। उनका कहना था कि कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने निर्दोष युवकों को गिरफ्तार किया है। जाम की सूचना पाकर वरीय प्रशासनिक अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया और उनके साथ बैठक कर उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर गिरफ्तार लोग निर्दोषी पाए जाते हैं तो पुलिस की तरफ से उनकी रिहाई में सहयोग किया जाएगा। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।